महिलाएं रो रहे हैं, हम बच्चों के लिए दवाई तक नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका घर जल गया, बेघर हो गया, उनके पास पैसे तक नहीं है, ये स्थिति बना हुआ है। और हम लोगों ने पीड़ित परिवार से भी मिला, जिस तरह से कारगिल में युद्ध में शामिल था, अपनी भारत भूमि को बचाने के लिए कारगिल में खूब लड़ाई लड़ा, लेकिन मैं अपने घर के पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सका। जो उनको कपड़ा उतार के परेड करवाए इन्होंने, और दो दो माँ बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार पुलिस के सामने हुई है, वो लड़की खुद कह रही है, हमको बताई है वो लड़की, उन्होंने कहा कि हमारा बलात्कार पुलिस के सामने हुई, लेकिन उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इतना भी निर्जल नहीं होना चाहिए, और हम लोगों का मांग है कि वहाँ पे जल्द से जल्द शांति की व्यवस्था आए, जैसे जिस तरह से मणिपुर में पहले था वैसी आए।